दोस्तों यार नमस्कार, फिर से जोहार है मेरे YouTube चैनल पर। तो आज मैं निकल चुका हूँ भाई रायपुर कुम्हारी से हरिवारा वाले रोड पर। तो अपन जा रहे हैं भाई आज कोड़िया गांव, जहाँ पे होने वाला शिव महापुराण कथा पंडित प्रदीप मिश्रा जी का 7 से 13 अक्टूबर के बीच में होने वाला है। तो ये वाला रूट आपको कुम्हारी से कटेंगे तो हरिवारा वाला रोड में लेके जाएगा। तो भाई रायपुर से अगर बात करें तो 40 किलोमीटर के लगभग पड़ेगा कोड़िया गाँव। और अगर रेलवे ट्रैक से आते हैं तो आपको भाई पावर हाउस भिलाई मिलेगा, दुर्ग मिलेगा या रायपुर, तीनों में अगर रेलवे स्टेशन पर अगर उतरना है तो वहाँ उतर सकते हैं। रायपुर से बात करें तो 40 किलोमीटर और भिलाई से बात करें तो 23 किलोमीटर और दुर्ग से बात करें तो 22 किलोमीटर की दूरी पर कोड़िया गाँव पड़ेगा। अपन पहुँच चुका है हिवारा, जस्ट हिवारा पहुँचने वाले हैं, देख सकते हैं ये है हिवारा। हरिवारा से जस्ट लगा हुआ है दोस्तों, ये हरिवारा है, यहीं पे देख सकते हैं हरिवारा, यहाँ का मेन सिटी टाइप है यहाँ बस। और आगे बात करेंगे तो घंटा रहेगा तो ये सिटी, इसके बाद ही जस्ट गाँव पड़ेगा, देख सकते हैं हरिवारा सिटी है ये। तो भाई साहब अपन हरिवारा से निकल चुके हैं मेन सिटी से। अपन जैसे भिलाई में, भिलाई नगर ढाणा सेक्टर एरिया वैसी टाइप ये भी एरिया है, यहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया टाइप। तो यहाँ पे भी कुछ कुछ लोग बसे हुए हैं, तो वाला एरिया है ये, काफ़ी अच्छे से नज़ारा दिख रहा होगा आप लोग को, हरा भरा। और भिलाई जैसा भिलाई में सेक्टर ये वैसे ही देख सकते हैं, यहाँ पे भी बना हुआ है शानदार तरीके से, देख सकते हैं इंडस्ट्रियल वाला। तो ये भी अक्सर भिलाई जैसे लगता है, मिनी भिलाई जैसे जो कोटिया करके दिखाई दे रहा ना, आपने यहीं से लेना है भाई लेफ्ट, देख सकते हैं। तो भाई साहब अपन इस रोड में मुड़ चुके हैं, जो रोड आपको कोड़िया लेक को लेके जाएगा, परिवारा से कोड़िया लेके जाएगा लेफ्ट टर्न है। धंधा वाले रोड में आएंगे तो कोड़िया के लिए मुड़ना रहेगा, ये वाला रूट है भाई, कोड़िया मिलेगा उसके बाद कोड़िया गाँव। तो दोस्तों अपन देख सकते हैं पहुँचने वाला है यार, यहीं पर पंडाल लगा हुआ है, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा सामने जहाँ पर पंडाल लगा हुआ है दोस्तों। तो अपन चलते हैं वहाँ पर, क्या कुछ अभी काम हुआ है देखते हैं। दोस्तों अपन आ चुके हैं, देख सकते हैं गेट बनना चालू हो गया है यार यहाँ पास, देख सकते हैं गेट का तैयार हो गया। तो यहीं से लेते हैं, यहीं से मुड़ना रहेगा और ये वाले रूट जाएंगे तो कोड़िया गाँव लेके जाएगा। तो यही इसका भाटा है भाई, जहाँ पे हो रहा है मैदान, और इतना बड़ा मैदान है देख सकते हैं। मुझे तो मैदान में बालों से हल्का से छोटा लग रहा है, अब देखते हैं भाई क्या होता है, बालों से छोटा दिखाई दे रहा है मुझे। और काफ़ी अच्छा सा मैदान है यहाँ, लेकिन कीचड़ उचड़ की बात तो कितना ही बारिश हो जाए नहीं होने वाला, क्योंकि मुरुम जैसा मैदान है भाई। और देख सकते हैं सामने पंडाल लगा हुआ है। मैं आ चुका हूँ भाई कोड़िया गांव, जहाँ पे होने वाला शिव महापुराण कथा। तो देख सकते हैं मेरे पीछे साइड लोहा लगना चालू हो गया है, पंडाल बनना डोम। तो ये पूरा एरिया है भाई यहाँ का ज़बरदस्त, देख सकते हैं। फाइनली अपन पहुंच चुके हैं यहाँ, देख सकते हैं बड़ा सा डोम मर रहा है यहाँ बस, एक उधर दूसरा और मर रहा है, और इस सामने जैसे ये देख सकते हैं ज़बरदस्त तरीके से। ये बहुत बड़ा पार्किंग है भाई, बहुत बड़ा ग्राउंड है, लेकिन छोटा पड़ जाता है पूरा, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं डोम भाई, बहुत बड़ा डोम। और पता नहीं इधर भी बनेगा और उस साइड भी मर रहा है, एक देखने लगा। ये वही जगह है भाई जहाँ पे हो रहा है कथा पुराण, ये देख सकते हैं पूरा आसपास खेती खिलान आप लोग को दिखेगा। और ये पंडाल ज़बरदस्त तरीके से मर रहा है भाई, और इधर बनेगा मंच, और ये पूरा खेत खलिहान है इस तरफ, पता नहीं और क्या क्या बनेगा। तो होने वाला है भाई 7 से 13 तारीख का कोड़िया में, और गाँव कोड़िया का बता दूँ तो इस तरफ आपको लोग को कोड़िया दिखेगा, उस तरफ भी चलेंगे। शिव मंदिर है यहाँ का स्वयंभू, तो देखते हैं वहाँ भी चल के देखते हैं यार, शिवभंग दर्शन करते हैं भाई। बात करें मैदान के तो ओवरऑल बहुत बड़ा है, और आस पास खेत खलिहान है, अगर खेत खलिहान अगर धान के समय नहीं रहता ना तो बहुत बड़ा मैदान बनता है, देख सकते हैं पंडाल लग रहा है। और मैदान तो बहुत बड़ा है यार, लेकिन फिर भी छोटा ही हो जाता है, क्योंकि ना आदमी इतना आते हैं लोग के छोटा ही, देख सकते हैं पूरा ट्रक व्रक काम वाम चल रहा है उतारने का, और बारिश हो रहा है तो थोड़ा धीमी गति से चल रहा है, लेकिन तैयार हो जाएगा 7 तारीख तक। तो 7 तारीख को आप लोग आइए कोड़िया, अपन और अपडेट देते रहेंगे। और देख सकते हैं मैदान काफ़ी अच्छा है, और देख सकते हैं लोहा लंगर लगना चालू हो चुका है भाई फाइनली। तो भाई ये था पूरा मैदान, देख सकते हैं मैदान का वीडियो ज़बरदस्त तरीके से,
और यहीं भाई वो बावन धाम बनने वाला है कुछ दिन में, काफ़ी ज़्यादा लोग आने वाला, इधर उधर पूरा जगह नहीं रहेगा भाई, ये पूरा मैदान है देख सकते हैं पूरा तरीके से ज़बरदस्त, बहुत बड़ा मैदान है यार, पूरा गांव है कोड़िया। तो चलते हैं भाई शिव धाम देख, चलते हैं एक बार आप लोग को वहाँ का क्या कुछ हो रहता है देखने लायक। और पानी वानी गिरा है ना, तो पानी वानी भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मुरूम वाला है जमीन है ना, ज़बरदस्त तरीके से मैदान ग्राउंड है। तो भाई सहावे वाला रोड आपको धंधा लेके जाएगा इस साइड, और जहाँ पे मैं मोड़ रहा हूँ लेके जाएगा आपको दुर्ग के लिए, इधर अपन जा रहे हैं इस तरफ दुर्ग है भाई, तो इधर ही पे आपको कोड़िया गांव भी है लगा हुआ है, दिखाई दे रहा है कोड़िया गांव है ये, तो रोड में ही लगा है, मेन रोड में है धंधा, दुर्ग से धंधा जाने वाले रोड में मेन रोड में आपको मिलेगा भाई कोड़िया गाँव। तो दुर्ग से बात ऐसा आप दुर्ग की बात करें तो यहाँ से 22 किलोमीटर की दूरी पर है, लिखा हुआ है वहाँ पे एक बार कोड़िया गांव है, कोड़िया गांव में शिव धाम कोड़िया ये भाई शिव दर्शन भी आप लोग को देखते हैं क्या है अपना कोड़िया। तो भाई साहब आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के लिए।